10.8 उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब तक हमने क्रियाकलापों द्वारा देखा कि एक प्रकाश किरण अलग अलग माध्यमों से अपवर्तित होती हुई एक विशेष पथ पर चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किरण के मार्ग की दिशा बदलने पर वह किस पथ का अनुसरण करेगी? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझने के लिए हम चित्रानुसार एक कांच का आयताकार गुटका तथा पानी का एक निकाय बनाते हैं। किरण ए बी वायु से पानी विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित होकर बिंदु बी से अभिलंब एम एन की ओर झुक जाती है और पथ बी सी का अनुसरण करती है। किरण बी सी जब बिंदु सी पर जल विरल से कांच सघन में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तित किरण सी डी अभिलंब पी क्यू की ओर झुक जाती है। कांच से वायु में प्रवेश करते समय आपतित किरण सी डी आपतन बिंदु डी पर अभिलंब आर एस से दूर हट जाती है। इस प्रकार वायु जल कांच वायु वाले निकाय में प्रकाश किरण का पथ ए बी सी डी ई होगा। इस निकाय को उल्टा करने पर नए निकाय का क्रम वायु कांच जल वायु होगा। इस स्थिति में अपवर्तन के नियमानुसार हमें प्रकाश किरण का मार्ग ई डी सी बी ए प्राप्त होगा। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में गमन के मार्ग में यदि किसी बिंदु पर उसकी दिशा पलट दी जाए तब उसके चलने के मार्ग में उत्क्रमणीय व्यवहार दिखाई देता है।